तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस नॉलेज स्टडी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट तीन बुक क्वेश्चन। क्या फ्रेंड्स, मैथ के वो तीन क्वेश्चन जो कि फ्लिपबोर्ड एग्जाम 2022 में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स टेंथ क्लास मैथ क्वेश्चन। क्या फ्रेंड्स, टेंथ क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपके लिए फ्रेंड्स आज ओनली तीन क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपके लिए बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वीडियो को देर ना करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, पहले आपको जब भी आप मैथ क्वेश्चन करो तो फ्रेंड्स आपको, मुझे उम्मीद है कुछ बच्चों को फ्रेंड्स क्या है, मैथ से डर लगता है। तो फ्रेंड्स, मैथ डरने वाली बात नहीं, आपको फ्रेंड्स मैथ में सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन को आंसर करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखा है क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर देखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर देखा है। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम हल करने से पहले यहाँ पर फ्रेंड्स लिख लेते हैं हल। क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हल लिख लेते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स हम हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन आपको एक बार और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखा फ्रेंड, यदि कॉस ए बराबर अंडर रूट 3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात करो। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या पूछा है, साइन 2a का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखा फ्रेंड्स कॉस ए बराबर रूट 3/2। क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे देखा है कॉस ए बराबर रूट 3/2। तो फ्रेंड्स यहाँ होगा कॉस ए बराबर कॉस 30। क्या फ्रेंड्स, कॉस ए बराबर कॉस 30। अब आपको हो गए कि ये कॉस 30 कहाँ से आया, तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये कॉस 30 कहाँ से आया। तो फ्रेंड्स ये कॉस 30 की जो मान होता है फ्रेंड वो अंडर रूट 3/2 होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चूंकि हम चूंकि में लिख लेते हैं ए बराबर, क्या फ्रेंड्स ए बराबर 30 डिग्री। क्या फ्रेंड, ए की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है फ्रेंड्स, कॉस ए और कॉस ए बराबर 30 डिग्री सेम ही बैठेगा। तो फ्रेंड्स आगे करते हैं हम, अतः साइन 2a बराबर साइन 2/30। अब आप कहोगे कि साइन 2a, यहाँ पे फ्रेंड्स साइन 2a बराबर, यहाँ पे फ्रेंड्स साइन की जगह साइन आ गए फ्रेंड 2 की या 2 और फ्रेंड 1 की मान क्या था फ्रेंड, 1 की मान 30। क्या फ्रेंड, 1 की वैल्यू क्या थी फ्रेंड्स 30। तो बराबर इसके हो जाएगा फ्रेंड्स साइन 60। क्या होगा फ्रेंड्स, साइन 60। और फ्रेंड्स साइन 60 बराबर क्या होता है फ्रेंड, अंडर रूट 3/2। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, यही आंसर होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, अंडर रूट 3/2। यहाँ पे फ्रेंड्स साइन 60 का जो मान होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर साइन 60 सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स जो साइन 60 है, यहाँ पे फ्रेंड्स साइन 2/30 आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर साइन 60 बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, साइन 60 है यहाँ पर, क्या है फ्रेंड्स साइन 60 बराबर, साइन 60 बराबर यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, साइन 60 बराबर 3/ अंडर रूट 3/2। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपके लिए इजी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर एक बार नहीं आया तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कॉस ए बराबर अंडर रूट की वैल्यू क्या थी फ्रेंड 3/2, कॉस ए बराबर कॉस 30। क्या हुआ, कॉस ए बराबर कॉस 30, अतः साइन 2a यहाँ पर फ्रेंड साइन की वैल्यू साइन थी और फ्रेंड 2a या 2 और फ्रेंड गुणा करने पर फ्रेंड्स क्या, ए की वैल्यू हमने 30 रख दी। तो फ्रेंड इसी प्रकार मुझे उम्मीद है आपके लिए एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम फ्रेंड्स क्वेश्चन को सेकंड को हल करेंगे। क्या फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन सेकंड को हल करने वाले, क्वेश्चन सेकंड में हम हल में फ्रेंड्स पहले हम शुरुआती में हल लिख लेंगे। क्या फ्रेंड्स, पहले हल लिख लेते हैं, उसके बाद दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि कोसेक थीटा बराबर 2:3:5 है तो टेन थीटा तथा कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहले दे रखा है फ्रेंड्स क्या, ये भिन्न की तरह क्वेश्चन दे रखा है। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखते हैं हम, दिया है
क्या खंड दिया है, कॉस सेक, क्या खंड कॉस सेक थीटा बराबर 2:3:5, क्या खंड 3/5, तो फ्रेंड 2×5=10 और 3 क्या होगा फ्रेंड्स 13/5 क्या होगा फ्रेंड्स 13/5 क्या होगा फ्रेंड्स। भिन्न जब हम आपने कभी भिन्न की होगी फ्रेंड, मुझे उम्मीद आपके लिए समझ आ गई होगी। क्या फ्रेंड भिन्न हम पहले इसकी गुणा इससे करते हैं, क्या फ्रेंड इसकी गुणा इससे, और फ्रेंड इसको हम जोड़ लेते हैं, तो फ्रेंड 5×10+3 क्या होगा फ्रेंड 13/5 क्या हो गया फ्रेंड 13/5। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक यहाँ पर फ्रेंड्स क्या एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्या फ्रेंड एक त्रिभुज बना लेते हैं जिससे आपके लिए बहुत इसी तरीके से समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिभुज बनाना था फ्रेंड्स, मैं उसे भूल गया, कोई बात नहीं, मैंने फ्रेंड्स अब त्रिभुज बना लिया। तो फ्रेंड्स अब जो क्वेश्चन जो है फ्रेंड आपके लिए अच्छी तरीके से क्या फ्रेंड इसे अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं फ्रेंड्स। तो देखा फ्रेंड्स यहाँ पर लिखना है हमें सम कोण, क्या फ्रेंड यहाँ पर लिखेंगे हम सम कोण त्रिभुज, क्या फ्रेंड सम कोण त्रिभुज ए बी सी में, क्या फ्रेंड ए बी सी में माना, क्या फ्रेंड त्रिभुज ए बी सी में माना कोण, क्या फ्रेंड कोण ए बराबर, क्या फ्रेंड्स कोण ए बराबर यहाँ पर क्या देखा फ्रेंड थीटा, कोण ए बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर थीटा देखा है, तो हम थीटा लिख लेते हैं। तब क्या फ्रेंड तब कर्ण, क्या फ्रेंड तब कर्ण, तो फ्रेंड्स तब कर्ण ए बी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है ए बी क्या है फ्रेंड ए बी बराबर 13, क्या फ्रेंड्स ए बी बराबर यहाँ पर फ्रेंड्स ए बी बराबर क्या है 13। तब और फ्रेंड्स यहाँ पर कर्ण हो गया, अब फ्रेंड्स लंब की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखा है लंब कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर लंब है हमारा 5, कितना फ्रेंड्स लंब 5, मतलब बी सी बराबर क्या है फ्रेंड्स बी सी बराबर ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स लंब जो है 5। तब हम करेंगे फ्रेंड्स क्या है पाइथागोरस प्रमेय के नियम के अनुसार ए क्या फ्रेंड चूंकि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कर लिया हमने फ्रेंड इनका मान उतार लिया, क्या है फ्रेंड्स ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो फ्रेंड्स ए बी का मान क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर ए बी का मान उतारेंगे फ्रेंड्स, हम ए बी का मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखा है ए बी का मान है 13² बराबर ए सी स्क्वायर प्लस फ्रेंड बी सी का मान क्या है फ्रेंड यहाँ पर 5 है, क्या है फ्रेंड बी सी का मान 5 है, तो फ्रेंड्स 13 का स्क्वायर करने पर फ्रेंड्स आएगा हमारा 169 बराबर ए सी को हम ऐसे कर लेते हैं फ्रेंड्स ए सी बराबर और यहाँ पर फ्रेंड्स दे रखा है फ्रेंड 25 क्या आएगा फ्रेंड्स 25, तो फ्रेंड्स ए सी जब इधर आएगा तो फ्रेंड्स बराबर 169 इधर जाने पर और फ्रेंड 25 इधर आने पर किस में आएंगे फ्रेंड माइनस में, फ्रेंड्स कैस माइनस में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बचेगा फ्रेंड्स ए सी बराबर क्या फ्रेंड्स जब इनका गुणा होगी फ्रेंड्स ए सी बराबर क्या आएगा फ्रेंड 169 में से फ्रेंड माइनस 25 जाएगा तो फ्रेंड्स कितना बचेगा 144 क्या बचेगा फ्रेंड्स 144 बचेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर काटने पर फ्रेंड्स क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर काटने पर कितना आएगा फ्रेंड्स 12/144, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि 12/144 होता है, तो क्या आया फ्रेंड्स ए सी बराबर यहाँ पर 12 आया, कितना फ्रेंड्स ए सी बराबर 12 आया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा है कि टेन थीटा और कॉस थीटा का मान, तो यहाँ पर फ्रेंड्स दे रखा है, तो हम यहाँ पर फ्रेंड एक लाइन खींच लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रेंड टेन थीटा, तो फ्रेंड्स टेन थीटा का मान क्या है फ्रेंड्स बी सी अपॉन ए सी, क्या फ्रेंड बी सी अपॉन ए सी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बी सी का मान क्या है 5 और फ्रेंड्स ए सी का मान क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है ए सी का मान हमारा यहाँ पर 12 आया, कितना है फ्रेंड्स 12। और फ्रेंड्स एक और पूछा है यहाँ पर कॉस, क्या फ्रेंड्स कॉस थीटा, तो फ्रेंड्स कॉस थीटा का मान देख लेते हैं हम,
फ्रेंड्स कॉस थीटा में आता है आपका एसी अपॉन क्या है फ्रेंड्स, एसी अपॉन एपी, एसी अपॉन एवी, क्या है फ्रेंड, एसी अपॉन एवी। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको पता होगा कि एसी का मान क्या है फ्रेंड्स, 12, क्या है फ्रेंड, एसी का मान 12 और एवी का मान कितना है फ्रेंड, एवी का मान आपका 13 है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन सिंपल, इसका आंसर क्या है फ्रेंड निकले आ गया। तो मुझे उम्मीद आपके लिए क्वेश्चन जो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड आज का हमारा लास्ट वीडियो होगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, तो हम पेज पलट लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो एक बार इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, करने से पहले फ्रेंड्स, भूमि के एक बिंदु, क्या फ्रेंड, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दे रखा है क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स भूमि से एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु फ्रेंड 30 मीटर दूरी पर है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की फ्रेंड्स क्या पूछा है यहाँ पर, ऊंचाई पूछी है, क्या फ्रेंड ऊंचाई पूछी है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को भी करते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपली लिखते हैं हल, यहाँ पर फ्रेंड्स हमने हल लिख लेते हैं, हल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, माना क्या फ्रेंड्स, माना समकोण, माना समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा, क्या फ्रेंड्स एबीसी की भुजा एबी बराबर मीनार की ऊंचाई, क्या फ्रेंड्स मीनार की ऊंचाई, यहाँ पर फ्रेंड्स मीनार की ऊंचाई बिंदु, क्या फ्रेंड्स बिंदु सी, बिंदु सी की मीनार से दूरी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मीनार से दूरी क्या है फ्रेंड्स, बराबर 30, कितनी है फ्रेंड्स 30 मीटर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो गया आपका एसी बराबर क्या हो गया फ्रेंड्स 30 मीटर, क्या है फ्रेंड आपका एसी बराबर 30 मीटर। अब बात आती है फ्रेंड्स अब चूंकि, क्या पे फ्रेंड्स यहाँ पर चूंकि में लगाना भूलेगा, अब आती है फ्रेंड्स अब समकोण, यहाँ पे फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे फ्रेंड्स त्रिभुज ए बी सी में फ्रेंड्स ए बी, क्या है फ्रेंड्स ए बी अपॉन ए सी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पर फ्रेंड्स ए बी अपॉन ए सी बराबर क्या फ्रेंड ए बी अपॉन ए सी 10 30, क्या फ्रेंड ए बी अपॉन ए सी बराबर 10 30। तो फ्रेंड्स अब है एच अपॉन 30, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ए बी क्या है हाइट, क्या फ्रेंड ए बी की जब हाइट मतलब एच और फ्रेंड ए सी क्या है हमारा 30, तो फ्रेंड्स ए बी बराबर 1/30, क्या फ्रेंड 10 थीटा, क्या फ्रेंड्स यहाँ पर 10 थीटा में वैल्यू लिख देता हूँ फ्रेंड्स, 10 थीटा की आपको वैल्यू पता होगा क्या होती है फ्रेंड, 10 थीटा की वैल्यू होती है फ्रेंड्स 1/√3, क्या है फ्रेंड 1/√3, 1/√3 यहाँ पर वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स अब होगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स आ गया है, तो फ्रेंड एच की कितनी फ्रेंड्स ऊंचाई क्या है, उसकी हाइट क्या है फ्रेंड 30, और फ्रेंड्स √3 बराबर क्या फ्रेंड्स √3 गुणा √3, और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है √3। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कैसे होगा फ्रेंड्स एच बराबर यहाँ पे फ्रेंड्स कितना है 30/√3, क्या फ्रेंड्स
एच बराबर हम रूट अपॉन रूट ऊपर जाएगा फ्रेंड्स, एच बराबर 30 ऊपर और फ्रेंड्स अंडर रूट 3 नीचे आएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आ गया 30 अपॉन रूट 3 गुणा, अब फ्रेंड्स यहाँ पर रूट की, जब रूट की गुणा होगी फ्रेंड्स तो रूट और रूट की गुणा होगी तो फ्रेंड रूट कट जाएगा, और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है जब रूट और रूट से गुणा कटेगी तो फ्रेंड यहाँ पर क्या आएगा 3, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब 3 बाहर निकल के आएगा फ्रेंड्स, रूट से रूट कट गया तो फ्रेंड 3 बाहर निकल के आएगा, तो क्या आएगा फ्रेंड 3 × 30, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आएगा रूट 10 बराबर क्या है फ्रेंड 10/3, क्या है फ्रेंड 10/3 मीटर, क्या आएगा फ्रेंड इसका आंसर आएगा। वो कैसे आया मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, जब रूट से रूट कटेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 निकल के आएगा, और फ्रेंड्स 3 × 30, और फ्रेंड जब रूट से 3 की यहाँ पर आया तो फ्रेंड 3 से 30 कट गए, और फ्रेंड 30 यहाँ पर क्या बचा फ्रेंड 10/√3। तो यही इस वीडियो का क्या है फ्रेंड, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अतः हम लिख देते हैं फ्रेंड, अतः मीनार की अभीष्ट, क्या फ्रेंड्स अभीष्ट ऊंचाई, क्या फ्रेंड्स अभीष्ट ऊंचाई क्या है 10/√3 मीटर, क्या फ्रेंड्स इसकी जो क्या फ्रेंड्स इसकी जो अभीष्ट ऊंचाई है वो रूट क्या फ्रेंड 10/√3। तो इस वीडियो आज की वीडियो जो फ्रेंड आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर फ्रेंड आपके लिए क्वेश्चन अच्छी लगे तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।